हल्द्वानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही इस पूरे मामले में चोरी की बाइकों के साथ तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को इज्जत नगर बरेली से चोरी की गई मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि इनके गिरोह का सरगना ओम अपने साथियों के साथ मिलकर हल्द्वानी क्षेत्र से मोटरसाइकिल चुराता था और गिरोह का दूसरा सदस्य गौरव उर्फ टोपी मोटरसाइकिलों को काटने का काम करता था। ये लोग बाइक के पार्ट्स को अलग अलग जगहों पर औने पौने दामों पर बेच देते थे और पुलिस को इनके पास से काटी गई मोटरसाइकिल भी मिली और उसकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आधे बचे टुकड़े में अंकित सीरियल नंबर के आधार पर पुलिस उसके असली मालिक तक पहुंची। इन चोरों का एक अन्य साथी ओम अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, इसमें मुख्य तौर पे तीन अभियुक्त थे जिनके द्वारा 12 तारीख को चोरी करी गई थी राजपुरा क्षेत्र में। इनको ट्रेस किया गया, इसमें सभी लोग अरेस्ट हो गए हैं। इसमें इनफैक्ट जो काटने वाला है बाइक को, क्योंकि दो बाइक्स हमारी बरामद हो गई हैं, इसमें से एक तो पूरी तरह सकुशल बरामद हुई है, एक थोड़ी कटी हुई हालत में बरामद हुई है, तो काटने वाला है उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। इसमें एक जो आरोपी है वो फरार है, जो मुख्य आरोपी है इसका ओम, वो अभी फरार है, उसको भी बहुत जल्द तस्दीक कर लिया जाएगा। अन्य जितने भी हैं जो बाइक चोर थे वो हमारी कस्टडी में हैं। ये रहने वाले मूलतः जो हैं ये बरेली के हैं। इसमें जो बाइक को काटने वाला है वो भोजीपुरा का रहने वाला है और अन्य जो हैं इज्जत नगर के आसपास के एरिया के रहने वाले हैं लोग। इनका आपराधिक इतिहास के लिए ICJS पोर्टल, जो हमारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके माध्यम से तस्दीक किया जाएगा कि इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है।